हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट था, जहाँ पर हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करी थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में समझा था, कैसे होता है, कैसे काम करता है। वहीं पे आज हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आए हैं, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आज जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है डिटरमिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। आज हम यहाँ पे आपको ब्लीडिंग टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाता है किसी भी पेशेंट का, उसको करके दिखाएंगे। तो ब्लीडिंग टाइम, पहले ये जान लेते हैं कि ब्लीडिंग टाइम होता क्या है। ब्लीडिंग टाइम का मतलब है कि किसी भी पेशेंट का, किसी भी इंसान का, अगर हम ब्लड निकालते हैं, इसका ब्लड, जैसे ये नीडल के हेल्प से अभी ब्लड निकालेंगे, तो ये ब्लड जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट होके ऑटोमेटिकली जब ब्लीड होना बंद कर दे, ब्लड आना बंद हो जाए, उस टाइम को कहा जाता है ब्लीडिंग टाइम। जनरली ये 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट से लेके 5-7 मिनट तक का ये टाइम होता है एवरेज ब्लीडिंग टाइम जो होता है। अब ब्लीडिंग टाइम क्यों जरूरी होता है, क्यों करना चाहिए? ब्लीडिंग टाइम से पहले तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे ब्लड में कोई डिसऑर्डर है तो उससे हम ब्लीडिंग टाइम से पता कर सकते हैं। कोगुलेशन फैक्टर जो होता है, यानी कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है, उसको भी हम ब्लीडिंग टाइम से पता कर सकते हैं। क्योंकि जब ब्लीडिंग होना बंद होती है, वो ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसके वजह से वो ब्लीडिंग बंद होती है। ब्लड क्लॉटिंग का भी प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, वहाँ पे हम दिखाएंगे कि कितने टाइम में ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है तो कैसे पता चलता है कि ये ब्लड क्लॉट हो गया, तो उसको भी हम कोगुलेशन फैक्टर्स को भी इसमें पता कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ अगर हमारी बीमारी है, कैसे, जैसे कि कुछ बीमारियों में अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर है और कुछ लीवर समथिंग कोई डिसऑर्डर है, तो उन केसेस में जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो नॉर्मल टाइम से एक्सीड कर जाता है, तो इन सब को पता करने के लिए ब्लीडिंग टाइम निकाला जाता है। अब हम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो नीडल, जिससे कि हम ब्लड को निकालेंगे। और जो नीडल होनी चाहिए वो स्टेराइल नीडल होनी चाहिए। स्टेराइल, यहाँ पे बैग नीडल हमने ली हुई, तो ये स्टेराइल है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए फिल्टर पेपर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव फिल्टर पेपर लिया हुआ है। और उसके साथ एक स्टॉप वॉच चाहिए, जिससे कि आप टाइम को रिकॉर्ड कर सके, कितना टाइम लगा आपके ब्लीडिंग में, ब्लीडिंग टाइम में। और एक सर्जिकल कॉटन एंड स्पिरिट, तो स्प्रिट के रूप में हम लोग यहाँ पे इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए ये हो गई रिक्वायरमेंट्स, और प्रोसीजर समझ लेते हैं कि क्या प्रोसीजर करना होगा। सबसे पहले इस नीडल की हेल्प से हमको निकालना होगा ब्लड, और नीडल से ब्लड निकालने से पहले जो एरिया है, जो साइट है जहाँ से हम ब्लड निकालेंगे, वो ये है फिंगर। इस फिंगर को हम क्या करेंगे, इस सर्जिकल कॉटन की हेल्प से यहाँ से हम लेंगे स्प्रिट, और स्प्रिट इसमें लेके इस सर्जिकल कॉटन में हम स्प्रिट लगाएंगे, और स्प्रिट की हेल्प से हम इस एरिया को करेंगे स्टेराइल। ये फिंगर को हमने कर लिया स्टेराइल। स्टेराइल करने के बाद हम नीडल को लेंगे, जो कि हमारी ये है नीडल, सील पैक नीडल थी। नीडल कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल नीडल होनी चाहिए। स्टेराइल नीडल को, फिंगर को आप इस तरीके से पकड़ेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इसको हम नीडल की हेल्प से इस पर प्रिक करेंगे, जिससे कि ब्लड आने लगेगा। और जैसे ही ब्लड आने लगे, उसके लिए हम फिर स्टॉप वॉच उसी समय चालू कर देंगे, तो एक्यूरेट रीडिंग आए। उसके लिए मैंने अपने एक लोगों की हेल्प ली है, तो वो स्टॉप वॉच अपने मोबाइल पे चालू कर देंगे, तो हम उसको पिक करेंगे। प्रिक करने के बाद इस तरीके से आप लेके अगर ये ऐसे प्रिक कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लड आने लगेगा। ये देखिए ब्लड आने लगा है, बहुत ज़्यादा प्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब ब्लड आने लगे, तो आप स्टॉप वॉच को ऑन कर लीजिए,
स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद अब ये चूंकि ब्लड आ रहा है तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर को इस तरीके से इस पे रखेंगे ताकि यहाँ पे स्टेन्स आ जाए। उसके बाद फिर 30 सेकेंड बाद ये ब्लड आने लगा, फिर 30 सेकेंड बाद, हर 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे 30-30 सेकेंड के बाद हम यहाँ पे इसको फिल्टर पेपर को इस पे रख के ब्लड स्टेन्स लेते रहेंगे। 30 सेकेंड हो गए हैं, फिर से हम एक स्टेन्स ले लेंगे। अब फिर से यहाँ पे अगर ब्लड आ रहा है फिर 30 सेकेंड तक हम चेक करते रहेंगे, और ये हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि ये ब्लड आना बंद ना हो जाए। तो आप इस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखेंगे तो करीब ये 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। 2-3 मिनट के बाद यहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाएगा। अभी देखिए इसे ये हम स्टेन्स ले रहे हैं, अभी जनरली 1 मिनट हुए होंगे तो ये ब्लड आ रहा है। आप हल्का सा नॉर्मल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, बट जब आप 2-3 मिनट तक इस प्रैक्टिकल को, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे तो आगे यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि ब्लड आना बंद हो गया। तो आप इस फिल्टर पेपर को जो भी प्रिक्ड साइट है वहाँ पे इसको यूज़ करते रहेंगे, और आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे जो ये स्टेन्स, जो ये ब्लड के धब्बे पड़ रहे हैं, ये छोटे होते जाएंगे क्योंकि ब्लड आना धीरे धीरे कम होगा। और ब्लड आना जो कम होता है ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ये ब्लड आना कम हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे, अभी देखिए ये ब्लड आना बहुत कम हो गया है, हम फिर इसका स्टेन लेंगे, बहुत छोटा बन रहा है। फिर ऐसे धीरे धीरे बट हम 30 सेकेंड पे जो स्टैंडर्ड है, हो सकता है आप बताने में या डिक्टेट करने में कुछ इरर आ रही हो टाइम की, बट जो इसका स्टैंडर्ड है वो हमें क्या लेना है, 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे हम ये फिल्टर पेपर का यूज़ करके ब्लड स्टेन लेते रहेंगे। अब ये देखें अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है करीब 2 मिनट 18 सेकेंड का, और यहाँ पे ये ब्लड आना बंद। ठीक, तो 2 मिनट 18 सेकेंड मेरा लीडिंग टाइम है। इस टाइम को जब आपका ब्लड आना बंद हो जाए उस टाइम को हम नोट डाउन कर लेंगे, और जब वो टाइम है वही टाइम कहा जाएगा आपका ब्लीडिंग टाइम। तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम है, जैसे मैंने बताया एवरेज जो ब्लीडिंग टाइम है वो 2 मिनट से 5 मिनट तक है, या कहीं 7 मिनट तक भी है। तो अगर इसके बीच आ रहा है मीन्स आपका ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, और अगर ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है तो मीन्स कि हमारा जो ब्लड है, हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो भी नॉर्मल है। तो गाइस ये था आज का हमारा ऑब्जेक्ट कि किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं ब्लीडिंग टाइम को। आई होप कि आपको ये आज का प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आपके साथ लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।